পরিচয় করি। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। तो आज की हमारी कहानी एक रियल लाइफ ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जहाँ के सारे इंसिडेंट बिल्कुल ही सच है। ये कहानी है विला नबीला की, जिस विला में कई लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग इस विला के अंदर जाकर वापस कभी भी जिंदा नहीं आए। तो आखिर क्या होता है इस विला में, क्या राज है इस विला में, यही हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉरर लैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया में वायरल हुए एक पोस्ट और एक न्यूज से, जहां पर विला नबीला की बातें हो रही थी। 16 नवंबर 2013 को 23 स्टूडेंट उस विला के अंदर गए और कभी भी वे उस विला से वापस नहीं आए। अब हम डेनियल नाम के एक फिल्म मेकर को देखते हैं, जो कि विला नबीला पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था। गायब हुए 23 स्टूडेंट में से मनाफ नाम का एक स्टूडेंट जिंदा वापस आ गया, तो इसलिए डेनियल अपनी टीम के साथ में मनव से बातें करने लगता है। लेकिन विला से वापस आने के बाद में मनव को कुछ भी याद नहीं था कि विला के अंदर उस रात को उसके साथ में क्या हुआ था। यहाँ तक कि वो अपनी पर्सनल लाइफ की सभी बातें अपने फैमिली मेंबर को भी भूल चुका था। मनव की माँ नोरा ने मनव को विला के अंदर जाते देखा था, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई और डर के मारे विला के अंदर भी नहीं गई। तो इसीलिए नोरा ने पुलिस से मदद मांगी थी और पुलिस को अगले दिन 1 बजे मनव विला के बाहर बैठा हुआ मिला। पुलिस ऑफिसर अब्दुल बताते हैं कि 16 नवंबर 2013 को मनव और बाकी स्टूडेंट विला के अंदर गए थे, लेकिन मनव पुलिस को 18 नवंबर को मिला था और बाकी स्टूडेंट उन्हें कभी नहीं मिले। लेकिन लोगों को विला के आसपास स्टूडेंट के चिल्लाने की आवाज़ आती थी, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर अब्दुल ये नहीं मानते कि उस विला में पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद डेनियल विला के बाहर जाता है, जहां उसे विला के डिमोलिशन का गवर्नमेंट नोटिस मिलता है, यानी कि उसे तोड़ना था। उस नोटिस में उन सभी वर्कर और सुपरवाइजर का नाम थे जो उस विला को तोड़ने का काम करने वाले थे। अब उन स्टूडेंट के मिसिंग होने के बाद उसे तोड़ने का काम होने वाला था, और उसे तोड़ने गया एक वर्कर जुनैद डेनियल से बात करता है। जुनैद उनको बताता है कि वो विला सच में हॉन्टेड है, और जब वे लोग वहाँ पर काम कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट उनके साथ में हुए थे। वो ये सब लोगों को बताना चाहते थे, लेकिन उसके बॉस हिल्मी ने उसे ये सब कभी भी बताने नहीं दिया। जुनैद डेनियल को अशरफ के बारे में बताता है, जिससे उसको विला के बारे में और भी कई बातें पता चलेगी। फिर उसके बाद अगले दिन अशरफ उनसे मिलने के लिए आता है, लेकिन वो अपना फेस उनको वीडियो में दिखाने से मना करता है। डेनियल अब विला नबीला की स्टोरी की डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहता था, लेकिन उसकी स्टोरी को हर प्रोड्यूसर रिजेक्ट कर दिया करता था। और फाइनली यूसुफ नाम का एक प्रोड्यूसर इस फिल्म को फंडिंग देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद में डेनियल विला को तोड़ने वाले वर्कर अशराफ और आमिर को बुलाता है विला के बारे में उनकी बातें रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्डिंग में दोनों ही अपना फेस नहीं दिखाते हैं, और दोनों फिर विला नबीला को तोड़े जाने के पहले दिन की बातें बताने लगते हैं। उस दिन उनका सुपरवाइजर वर्कर अशराफ आमिर जुनैद फैजल इसक जाफर विला में गए थे, और सभी को पता था कि ये विला हॉन्टेड है। लेकिन काम और पैसों के लिए सभी ने उन बातों को इग्नोर करके अपना काम ठीक करना समझा। सुपरवाइजर और अशरफ की बातों से हमें पता चलता है कि इस विला में एक लड़की को जिंदा दीवार में दफना दिया गया था, और एक पूरी फैमिली का मर्डर हुआ था। तब से विला हॉन्टेड है। विला बहुत ही बड़ा था, और यह गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था जो उनको 5 दिन में पूरा करना था, लेकिन विला तोड़ने के लिए वे सिर्फ 6 ही लोग थे। उस विला को तोड़ने के लिए जेसीबी भी अगले दिन आने वाली थी, और तब तक उनको हाथ से काम करना था। फिर उसके बाद सभी वर्कर हथौड़ी से उस दीवार को तोड़ने लगते हैं। अशरफ एक दीवार को अकेले तोड़ने जाता है, लेकिन जब वो पहला हथौड़ा मारता है तो उस दीवार से खून निकलने लगता है। अशरफ डरकर ये बात बाकी वर्कर और सुपरवाइजर को बताता है, और जब सब उस वॉल को देखने आते हैं तो वहाँ पर कोई खून नहीं था। सभी सोचते हैं कि अशरफ हेलुसिनेट कर रहा है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में अशरफ दिन भर काम नहीं कर पाता है। फिर उस दिन शिफ्ट खत्म होने के बाद में अशरफ सुपरवाइजर को बताता है कि वो अगले दिन काम पर नहीं आएगा, क्योंकि उसे इस विला में बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। सुपरवाइजर के पास में पहले ही वर्कर कम थे, और काम अभी भी 4 दिनों में पूरा करना था, तो इसीलिए वह अशरफ से अगले दिन काम पर आने की रिक्वेस्ट करता है। फिर घर जाते टाइम सुपरवाइजर को भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके कार के बैक साइड में कोई बैठा है, लेकिन देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर घर आने के बाद में अशरफ अपनी वाइफ ट्रिशा को विला के बारे में बताता है। ट्रिशा भी विला को हॉन्टेड होने की बातों को नहीं मानती थी। फिर रात को अशरफ को सपना आता है कि जैसे कि उसके बेड में कोई घोस्ट घुस गया हो, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और अगले दिन अशरफ काम पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन घर के बिल और लोन की वजह से अशरफ को विला के अंदर काम करने जाना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास में और कोई काम भी नहीं था। विला पर जाने के बाद में अशरफ सुपरवाइजर और बाकी वर्कर शॉक्ड थे, क्योंकि जो दीवार उन्होंने कल तोड़ी थी वो बिल्कुल पहले की तरह ठीक थी।
उनके जाने के बाद कोई कैसे इतनी बड़ी दीवार को झुलवा सकता है। सुपरवाइजर वहां पर अपना कैमरा लगा देता है ताकि वो देख पाए कि ये सब आखिर कौन कर रहा है। फिर सभी लोग उस दीवार को तोड़ने लगते हैं और इसक विलाम में एक अल्कोहल बोतल को छुपा देता है। जयपुर जब बाथरूम करने एक जगह पर जाता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर इधर स्टेयर के पास में सुपरवाइजर जेसीबी ओनर से कॉल पर बात कर रहा था और उसे पता चलता है कि जेसीबी अब एक हफ्ते के बाद में ही काम पर आएगी। फिर उसी टाइम सुपरवाइजर के पैर को कोई एविल पकड़ लेता है और इसे स्टेयर से नीचे गिरा देता है। फिर सुपरवाइजर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सीढ़ियों से नीचे कैसे गिरा। उसने किसी को देखा तो नहीं था लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ा था। अब प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए उनके पास में सिर्फ 3 दिन बचे हुए थे और सुपरवाइजर काम पर नहीं जा सकता था, तो इसीलिए वो अशरफ से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करे और इसके बदले में वो सुपरवाइजर अशरफ को डबल पैसे ऑफर भी करता है। लेकिन विला में जो कुछ भी हो रहा था उसके बाद में अशरफ ने ये मन बना लिया था कि वो इस विला में कभी भी काम करने नहीं जाएगा। अब घर आने के बाद में अशरफ देखता है कि टीशा की अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ गई है और वो प्रेग्नेंट भी है। अशरफ का नेबर हुडा भी अशरफ से पैसे मांगता है जो उसने अशरफ को दिए थे और इन सब की वजह से अशरफ को अगले दिन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विला में जाना पड़ता है। विला आने के बाद में अशरफ और बाकी वर्कर देखते हैं कि पिछले दिन तोड़ी हुई दीवार फिर से जुड़ी हुई है, जैसे कि वो दीवार कभी भी तोड़ी नहीं गई हो। और कल जो सुपरवाइजर कैमरा लगाकर गया था उसमें भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तब भी वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं जो उनको टाइम पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने को कहते हैं, नहीं तो उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो इसीलिए अशरफ वर्कर के साथ में रात को वहीं रुककर काम को पूरा करने का सोचता है। वर्कर फिर से वॉल को तोड़ने लगते हैं और विला की दूसरी तरफ इशक और फैजल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इशक को फैजल की कोई बात बुरी लग गई थी और वो फैजल का हथौड़ा विला के गंदे स्विमिंग पूल में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फैजल को समझ नहीं आता है कि वो कैसे उस हथौड़े को उस स्विमिंग पूल से बाहर निकालेगा। फिर उसी टाइम कोई घोस्ट फैजल को पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेता है। किसी तरह फैजल खुद को छुड़ा कर डर के मारे विला से बाहर भागता है। और रात को वे सभी विला के गार्डन में सोने के लिए कैंप लगाते हैं और विला के कुछ जगह पर कैमरा लगा देते हैं। फिर कैंप के पास किसी बात को लेकर जुनैद इशक को डरपोक कहता है, जिसके बाद में इशक नाराज होकर उनसे दूर विला के अंदर चला जाता है। अशरफ सभी को एक दूसरे से लड़ाई करने को मना करता है और इस तरफ दिन में इशक ने जो अल्कोहल बोतल विला के अंदर रखी थी वो उसे खाली मिलती है। दूसरी तरफ आमिर कैमरा से विला की रिकॉर्डिंग कर रहा था और अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आमिर डर कर चिल्लाता है तो अशरफ जुनैद जाफर उसके पास में आते हैं और वो उनको इस बारे में बताता है। विला के अंदर हम देखते हैं कि इशक कोई रिचुअल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कोई घोस्ट पजेस कर लेती है। इशक के चिल्लाने की आवाज़ सुनने की वजह से वे सभी उसके पास में आते हैं लेकिन तब तक इशक बेहोश हो चुका था। अचानक इशक होश में आता है और हवा में उसकी बॉडी मूव करने लगती है और आमिर इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था। अशरफ के कहने पर आमिर कैमरा नीचे रखकर इशक को पकड़ता है और उसके बाद में इशक के लिए सभी प्रेयर करने लगते हैं। इशक को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था लेकिन प्रेयर की वजह से किसी तरह इशक पोजीशन से बाहर आता है। सभी इशक को लेकर विला से बाहर जा रहे थे लेकिन घूम फिर कर वे लोग एक ही जगह पर वापस आते हैं। इशक को वे लोग जमीन पर लेटा देते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। अशरफ अकेले ही बाहर की तरफ जाने के लिए निकलता है लेकिन घूम फिर कर वो एक ही जगह पर आ जाता है, जैसे कि वे लोग एक नेवर एंडिंग जोन में फंस गए हों। अचानक से वे लोग एक एविल को उनके पास में नोटिस करते हैं जिससे कि सभी बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। उस एविल एंटिटी को देखने के बाद में सभी एक पजेस स्टेज में आकर हंसने लगते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद में जब सभी को होश आता है तो सभी विला के अलग अलग जगह पर थे। आमिर देखता है कि इशक उसके पास में बैठा है और वो पजेस्ट है। इशक की बॉडी अजीब तरीके से मूव होने लगती है और अशरफ को भी अपने पास एक घोस्ट नजर आता है और वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। जुनैद को भी घोस्ट हॉन्ट करके उसे हवा में इधर उधर लटकाने लगता है और किसी तरह जुनैद वहाँ से भाग जाता है। फिर लकीली सभी लोग एक साथ मिल जाते हैं और इशक को अपने साथ लेकर विला से बाहर आते हैं, जहाँ पर आमिर और जनता इशक को लेकर पास के एक हॉस्पिटल में जाते हैं और अशरफ कैब में बैठकर अपने घर जाता है। घर जाकर वो देखता है कि तीशा घर पर नहीं है और हुडा से उसको पता लगता है कि उसे ढूंढते हुए तीशा विला की तरफ गई थी। इसे सुनकर अशरफ फिर से विला की तरफ जाता है ताकि वो तीशा को बचा पाए। रास्ते में वो आमिर को कॉल करके बता देता है कि वो फिर से विला जा रहा है और इधर अशरफ को ढूंढते हुए तीशा विला के अंदर आ चुकी थी। कैंप और बाकी चीज़ों को देखकर उसे यही लग रहा था कि अशरफ और वर्कर विला के अंदर है। तभी उसे अशरफ दिखाई देता है जो कि विला के एक रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन वो अशरफ नहीं अशरफ के रूप में एक घोस्ट था। उसी घोस्ट को अशरफ समझकर
तीशा उसका पीछा करती है और अचानक उसके ऊपर एक घोस्ट अटैक कर देता है। तब तक अशरफ विला तक आ चुका था और वो टीशा को ढूंढने लगता है। टीशा की आवाज का पीछा करके अशरफ विला के ऊपर के फ्लोर की तरफ जाता है, लेकिन वहां पर उसे एक घोस्ट हॉन्ट करती है, जिस वजह से अशरफ ऊपर के फ्लोर से नीचे गिर जाता है। अशरफ को बहुत चोटें भी आती है, लेकिन फिर भी वो टीशा को ढूंढने लगता है। तभी अशरफ को उसके सामने टीशा दिखाई देती है और वो टीशा के पास जाकर उसे गले लगा लेता है, लेकिन टीशा पजेस्ट थी और उसके अंदर का घोस्ट अशरफ को हॉन्ट करता है। तब तक विला पर आमिर और जुनैद एक शमशीर नाम के बाबा को लेकर आ गए थे। वे लोग देखते हैं कि टीशा अशरफ का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश कर रही थी और किसी तरह वे लोग टीशा के हाथ से अशरफ को बचाते हैं और टीशा को पकड़कर प्रेयर करने लगते हैं। टीशा के अंदर का घोस्ट उनको बार बार हॉन्ट कर रहा था और घोस्ट टीशा को हवा में ऊपर उठाकर मुंह कर रहा था। वो घोस्ट टीशा के हाथों उसको मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग टीशा को पकड़ रखते हैं। फिर कंटिन्यूसली शमशीर की प्रेयर पढ़ने के कारण टीशा पजस स्टेज से बाहर आती है और सभी लोग विला से बाहर आते हैं और इसके बाद कभी भी वे लोग उस विला में वापस नहीं जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर डैनियल बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विला में गया था, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। लेकिन जो बात अशरफ और बाकी वर्कर ने बताई कि वॉल को बार बार तोड़ने के बाद भी वो वॉल पहले जैसी थी, तो उस बात को डैनियल बिलीव नहीं कर पा रहा था। अब उसके बाद विला के बारे में पूछने के लिए डैनियल सुपरवाइजर को कॉल करता है, लेकिन सुपरवाइजर उनको कुछ भी ठीक से नहीं बताता है। असली फुटेज की बात करने पर भी सुपरवाइजर विला के घोस्ट वाली बातों को झूठ बताता है और डैनियल की डॉक्यूमेंट्री में उसका नाम मेंशन करने से मना करता है। सुपरवाइजर के मुताबिक उसका नाम सामने आने पर उसकी लाइफ के लिए बहुत ही बुरा होगा और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बिल्कुल रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। विला नबीला मलेशिया के जोहर बहोर में स्थित है और मलेशिया में बहुत से लोग इस विला को सच में हॉन्टेड मानते हैं और वहाँ पर बहुत से लोगों की मौतें भी हुई हैं। अशरफ, जुनैद, आमिर, फैजल, जफर, इसक और मनफ सच में वहाँ पर गवर्नमेंट के ऑर्डर पर उस विला को तोड़ने गए थे, लेकिन विला के घोस्ट के कारण वे लोग विला को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचा पाए। इसक को लगा था कि अगर वो विला में कोई रिचुअल करेगा तो विला के घोस्ट उसके काबू में आकर उसका हर काम करेंगे, लेकिन उल्टा इसक ही उस घोस्ट से पजेस हो गया। विला नबीला में जो फैमिली रहती थी उनके रिलेटिव ने विला के लालच में उस फैमिली को एक मर्डर से मरवा दिया और उसके बाद से विला नबीला एक हॉन्टेड प्लेस बन गई। बहुत से लोग विला के अंदर जाकर कभी वापस नहीं आए और जो भी वापस आया उनमें से कुछ लोग मनफ की तरह अपनी मेमोरी खो बैठे। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अशरफ एक टैक्सी ड्राइवर है और आमिर एक फैक्ट्री में काम करता है। जुनैद जहाँ पर अभी भी सुपरवाइजर के साथ में कंस्ट्रक्शन का काम कर, लेकिन विला में उनके साथ में जो कुछ भी हुआ वे सब कभी भी आज तक नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।